सीजन पर बलिया में वरिष्ठ सपा नेता अनिल राय का बड़ा बयान। सपा वरिष्ठ नेता अनिल राय ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे के लिए मांगी वोट। हाँ, उन्होंने कहा खास तौर पर कि भूमिहार समाज के लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, इस बार आप लोग अपना मनोबल जैसे रखे थे वैसे बनाए रखिए, आप लोग इस बार साइकिल पर वोट देंगे। अनिल राय समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष प्रवक्ता भी है और लोकसभा का प्रभारी है। लोकसभा चुनाव से लड़ाई उनको मकान है और आपके सपा सनातन बाबा प्रत्याशी जिस रणनीति बनाई थी, जिस प्रचार यहाँ जिस तरह हो रहा है राजनीति। देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचार की पार्टी है, सिद्धांत की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, सर्व समाज को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सनातन पांडे जी को टिकट मिला तो उस दिन से ही सारे कार्यकर्ता रोड से लेकर के गांव तक एकजुट होकर के और उनके साथ चलने का काम किए कि किस तरह से हमारा वोट बढ़ेगा और जो वोट है हमारा उसको बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे और उसी पर काम चल रहा है। सनातन पांडे जी को हर जात, हर धर्म, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट से जीतने का काम करें। देखिए, नारद राय जी नेता तो बड़े हैं, दो बार रहे हैं विधायक मंत्री, जो के बड़े भाई हैं। अब उनका विचार, उनका सोच है कि वो भारतीय जनता पार्टी में कैसे चले गए। उनको समाजवादी पार्टी बहुत सम्मान करती है, हो सकता है उनके मन में कोई बात ऐसी लगी हो, तो 17 में भी वो दल छोड़ करके गए। बसपा में की राजनीति उस समय हम लोग भी करते थे, तो बसपा में आए, बसपा में उनको लगा कि ज़्यादा सम्मान मिलेगा, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि मुझे बसपा में सम्मान नहीं मिल रहा है जो समाजवादी पार्टी में था, तो पुनः वो बसपा को चुनाव लड़ने के बाद छोड़ करके समाजवादी पार्टी में चले गए, समाजवादी पार्टी में अपना स्थान बनाए। फिर 22 में माननीय मुलायम सिंह जी के कहने पर भाई या जैसे और लोगों के सहयोग से उन्हें टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे करके भेजने का काम किए, वो चुनाव लड़े भी, वोट भी अच्छा पाए, चुनाव हार गए। तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी कमी रही होगी कि लोगों ने उस ढंग से सहयोग नहीं किया, लेकिन वोट कम नहीं पाए। तो जाने से कोई नुकसान मेरे समझ से नहीं है, आम कार्यकर्ताओं के सोच से भी है कि उनके जाने से कोई नुकसान नहीं है। उनका सोच पहले ही जब टिकट सनातन पांडे जी को मिला उस समय ही हमको लगा कि वो मन बना चुके हैं कि हमें समाजवादी पार्टी में नहीं रहना है, भारतीय जनता पार्टी में जाना है। क्योंकि जिस दिन वो जनपद में आए उस दिन भी नहीं गए, फिर कार्यक्रम चलता रहा उसमें भी नहीं गए, एक दिन के लिए आए और एक दो चार कार्यक्रम किए और कहे कि मैं रहूँगा, फिर वो नहीं आए। बीच में चर्चा हुआ कि तबीयत खराब है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंच पर उस दिन दिखाई दिए, उसके बाद फिर एकाएक हुआ कि नहीं वो भाजपा में चले गए। लेकिन मेरा मानना है कि इतना जल्दी कोई निर्णय नहीं हो पाता है जब तक पहले से प्लानिंग नहीं होता है। प्लानिंग था तभी बड़े भाई नारद राय जी ने अपने लोगों को बुलाए और तुरंत कल जा करके भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी से बनारस मिले। अभी रामकाल सिंह जी की सोच है, क्या सोच करके समाजवादी पार्टी में आए थे और क्या सोच करके पुनः जा रहे हैं। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी में बहुत दिन तो नहीं हुआ, 3 साल लगभग हुआ आए हुए, निष्ठा ईमानदारी से काम कर रहा हूं और पार्टी के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। हार जीत मान सम्मान थोड़ा कम बेसी तो कभी होता है, कभी ज़्यादा मिलता है कम होता है, वो कोई विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी भूमिहार समाज के लोगों को हमेशा सम्मान दी है और यह समाज हमेशा समाजवादी विचार से जुड़ करके काम करने का काम किया है। चाहे स्वामी सहजानंद जी का विषय हो, वो भी किसान आंदोलन करके
एक समाज में समाजवाद की स्थापना की बात की है। कुंवर साहब भी हैं, झारखंडे राय जी थे, स्वर्गीय झारखंडे राय जी समाजवादी विचार के थे, और बड़े भाई नारद राय जी को भी समाज में स्थान इसीलिए मिलता था कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और समाजवादी पार्टी से जुड़ करके सर्व समाज के लोगों के लिए काम करने का काम करते थे। जब बहुजन समाज पार्टी में गए तो मंत्री थे, उनको जनता उतना सम्मान नहीं दी क्योंकि उनकी नीति और पार्टी दोनों चेंज हो गई। तो जब चेंजिंग आएगा तब सम्मान मिलेगा, तब माना जाएगा कि नहीं आपका व्यक्तिगत आपसे संबंध है या सम्मान है। वो सम्मान जो भी है समाजवादी पार्टी का है। वहाँ लोग भी जो गए थे उसमें ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी के प्रति सोच रखने वाले लोग थे, सनातन पांडे को जिताने की बात सोचने वाले लोग थे। वो सुना पुनः स्वयं लोग बैक हो गए, उसका कोई मने मतलब नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है। चुनाव जो प्रक्रिया व्यवस्था है, जो लोग काम में लगे थे वो आज भी लगे हैं, जो लोग भी काम कर रहे थे कोई काम से भटका नहीं है। हमारे प्रत्याशी भी घूम रहे हैं, हमारे लोग भी घूम रहे हैं। आज शाम को संजय पधिया जी के कार्यालय के बगल में 6 बजे RKBK की जो तेल की टंकी है, वहाँ नगर विधानसभा के सक्रिय जो भी नेता हैं कार्यकर्ता सबको बुलाया गया है, सबको अपने व्यवस्था से सब लोग काम करने का काम कर रहे हैं, करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पक्की है, सनातन पांडे जी के साथ कोई एक धर्म और जात का लोग नहीं है इसमें। भूमिहार समाज तो मान लीजिए ज्यादा भाजपा के साथ पहले भी था, लेकिन लगभग 50% भूमिहार समाज जो समाजवादी विचार से जुड़ा है, समाजवादी है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति को अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो,